दोस्तों वक्त बिल्कुल नहीं है, असद बस्तवी से मैं गुजारिश करता हूं कि सिर्फ हाजिरी दर्ज कर दें वो। आप तालियों से इस्तकबाल करें जनाब असद बस्तवी, जो पूरे हिंदुस्तान का चहेता शायर है। मुअज्जज सामईन हजरात, वक्त बहुत कम है, भाई इमरान प्रतापगढ़ी को सुनना है। बिल्कुल वक्त नहीं लूंगा, बिला किसी तमहीद के चार मिसरों से चार मिसरा ही पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ। मैं पढ़ता हूँ चंद दिन कबल तंजील अहमद की शहादत, मैं उसी हवाले से पढ़ता हूँ, बगैर कुछ आपको पता होगा अखबार के जरिए टेलीविजन के जरिए मैं पढ़ता हूँ। ज़ियाउल हक के कातिल हो या फिर शाहिद के कातिल हो, ज़ियाउल हक के कातिल हो या फिर शाहिद के कातिल हो, सियासत उन दरिंदों के गले में हार देती है, सियासत उन दरिंदों के गले में हार देती है। और अगला मिसरा सच्चा हो तो आप ढेर सारी दुआएं देके मुझे रुख्सत कर देना, पेश कर देना। ज़ियाउल हक के कातिल हो या फिर शाहिद के कातिल हो, सियासत उन दरिंदों के गले में हार देती है, कोई तंजील बनकर जा भी उभरा कौम में अपनी, कोई तंजील बनकर जा भी उभरा कौम में अपनी, हुकूमत ऐसे मुस्लिम अफसरों को मार देती है। वाह कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हाजिर। एक चार मिसरों की फरमाइश थी इमरान भाई, थोड़ी सी माजरत मैं पढ़ देता हूँ उसके बाद फिर। ठीक है ठीक है, पढ़िए पढ़िए जल्दी पढ़िए। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, क्या बात है। ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा, खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच। वाह 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 वाह, ये वक्त की मजबूरी है दोस्तों, वरना असद बस्तवी साहब आपको पूरी तरह से आपके खून को गर्म कर सकते थे।